हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए फिर एक काफ़ी बड़े साइज़ में बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर बेल्ट है, इधर बेल्ट है, इधर बॉटल का है, इधर इधर पॉकेट है, और काफ़ी बड़े साइज़ में इसको हमने बनाया है, ख़ास तौर पर खाने पीने का सामान बाहर ले जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 16x33 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 9x16 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 9x12 इंच का 2 पीस क्विल्टेड, 1 पीस लाइनिंग, 8x8 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 5x8 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 10x12 इंच की 1 पीस नेट, सिप 16 इंच 1, 8 इंच 1, 9 इंच 1, रनर 6, बेल्ट 42 इंच की 2 पीस, 3 इंच की 2 पीस, जी लूप 2 और पाइपिंग। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे 9x16 इंच के 1 पीस क्विल्टेड पीस से और जिप से। इसको बीच में से, ये 9 इंच है, ये 16 है, 9 इंच को बीच में से कट करेंगे और जिप लगा देंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद 8x8 का और 5x8 का दोनों क्विल्टेड पीस लेंगे और इसमें 8 इंच पर एक जिप लगा देंगे, रनर डालेंगे। रनर ऑप्शनल है, एक डालें, दो डालें। इसको इस तरह से कंप्लीट करने के बाद इसको हम तीन तरफ से पाइपिंग से पैक कर देंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद 5x8 इंच का पीस लेंगे, चारों तरफ पाइपिंग लगा देंगे। इसको इस तरह तैयार करने के बाद अब हम लेंगे 9x12 इंच का पीस इस तरह से, और इसको यहाँ पर बीच में इधर से 1 इंच ऊपर करते हुए इस तरह से लगा देंगे, और इसको यहाँ पर इस तरह से 1 इंच डाउन जाते हुए लगा देंगे बीचों बीच में। और इसको इसके ऊपर यहाँ पर 1/2 इंच या 1 इंच ऊपर करते हुए लगा देंगे केवल सीधा। ये फ्लैप वाला हमारा एक पीस तैयार हो गया। अब हम लेंगे 9x12 इंच का दूसरा पीस, लाइनिंग और नेट जिप, और इसके साथ हमें चाहिए होगी थोड़ी सी इलास्टिक। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक, में आपको पेपर में बताना भूल गई थी, इलास्टिक भी लेना है। ये हमने यहाँ पर 6 इंच की इलास्टिक ली है, और ये हमारा 12 इंच है और ये हमारा 10 इंच है। तो जो 12 इंच का एरिया है इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे इस तरह से डबल करके इसको डालने की जगह बना देंगे। और इस इलास्टिक को इसके अंदर पास कर देंगे। एक सिरा यहाँ पर आने पर इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। दूसरा सिरा इधर लॉक कर देंगे। इसको तैयार करने के बाद अब ये लाइनिंग, जिप और 9x12 का पीस लेंगे, 2 इंच डाउन जाएंगे, ये 2 इंच डाउन जाएंगे, निशान लगाएंगे, कट करेंगे और जिप लगा देंगे। रनर डालने के बाद लाइनिंग लगा देंगे। इस तरह से पॉकेट तैयार करने के बाद ये जो हमने नेट तैयार की थी इसको यहाँ पर लगा देंगे। पहले साइड में इसको जोड़ देंगे। इसके बॉटम में थोड़ी सी प्लेट डालते हुए इसको कंप्लीट करेंगे।
अब वापस ये जो हमने बड़ा पीस पहले तैयार किया था 9x16 इंच का, इसमें 3 इंच के ये 3 इंच के हमने दो बेल्ट लिखवाए थे और दो टी लूप लिखवाए थे, इसको तैयार करेंगे। इस तरह से रखने के बाद एक डी लूप हम यहाँ लगा देंगे और एक डी लूप यहाँ पर लगा देंगे। अब इसके बाद 6x33 इंच का पीस लेंगे और इसमें मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 16 है और ये 33 है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे, ये 12 इंच है। इसके बाद 9 इंच पर निशान लगाएंगे, ये 9 इंच है और ये फिर हमारा पूरा 12 इंच आ गया इधर, ठीक। अब इसके और यही निशान इधर भी लगाएंगे, 12 इंच, 9 इंच और फिर ये 12 इंच। अब ये जो 12 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया है, इसमें एक पूरी लाइन खींच लेंगे, सेंटर निकालेंगे। ये हमारा 8 इंच सेंटर है, ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर 4 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे, 4 इंच पर यहाँ। टोटल यहाँ पर हमें 8 इंच का डिस्टेंस चाहिए और यहाँ से हम 8 इंच तक निशान लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से, और यही मेजरमेंट हम इस पीस के दूसरे साइड भी करेंगे। अब ये जो हमने 42 इंच की बेल्ट ली थी, इसको यहाँ पर हम लगाएंगे। बेल्ट का सिरा डबल करते हुए यहाँ पे रखेंगे। ये जो हमने ये 12 इंच का एरिया है, ये 16 इंच का एरिया है, ये 9 इंच का एरिया है, यहाँ पर हमने 4 इंच पर निशान लगाया था, ये सेंटर है, ये 4 इंच का निशान है। तो ये जो 4 इंच का पहला निशान है, यहाँ पर इस बेल्ट को हमने डबल किया है। डबल मशीन चलाते हुए इस 8 इंच तक इसको जोड़ेंगे और इसका दूसरा सिरा यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे और सेम प्रोसीजर में उधर भी जोड़ देंगे। अब हमारी सारी तैयारी हो गई है, अब हमें केवल पीस जोड़ने हैं। तो सबसे पहले हम जो 9x12 इंच के दोनों पीस तैयार किए थे, इनको लेंगे और जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये जो हमने बीच में 9 इंच का स्पेस निकाला था, ये हमारा 12 इंच जा रहा है, ये 12 इंच जा रहा है, ये 9 इंच है। तो अब ये 12 इंच को इधर रखेंगे और इसका जो 9 इंच है, इस 9 इंच के एरिया पर जोड़ देंगे। और इस टेल को घुमा करके इस टेल पर लाके जोड़ देंगे। और ये जो 12 इंच है, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। और इस पर फिर से डबल मशीन चला देंगे। और अब इधर वाला पीस जोड़ देंगे, ये जो हमने पॉकेट वाला बनाया था। तो ये जो फ्लैप है, ये ऊपर रहेगा इस तरह से, और इसको भी जोड़ना शुरू कर देंगे। तो पहले हम 9 इंच को जोड़ेंगे। ये हमारे साइड के पीस लग गए हैं और ये परफेक्टली खड़ा हो गया है। अब इसमें हम जो ये वाला पीस था, इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए ये जो 9x12 इंच का जो हमने पीस लगाया था, ये 9x12 इंच का पीस लगाया था, इसका सेंटर हम निकाल लेंगे इस तरह से, इसका भी निकालेंगे। और जिसमें नेट लगाई थी, उस वाले भी 9x12 का जो 9 वाला पीस है, उसका सेंटर निकाल लेंगे। बस इसमें अब 9 इंच को 9 इंच से जोड़ेंगे, जिप का सेंटर उस कटिंग से मिलाएंगे जो हमने सेंटर निकाला था। तो पहले 9 इंच जोड़ेंगे दोनों एरिया, उसके बाद 16 इंच को जोड़ देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर डी लूप दिया है, तो ये या तो फैशन कर लीजिए और नहीं तो ज़रूरत है तो इसमें डिटैचबल हुक वाला एक बेल्ट बना करके आप इसको कंधे पर भी कैरी कर सकते हैं, और नहीं तो काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ में ये हमने यहाँ पर ये बेल्ट दी है। और यहाँ पर एक
फ्लैप वाली बेल्ट पॉकेट दी है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं अपना सामान, और यहाँ पर बॉटल वगैरह रखने के लिए स्पेस दी है। और अंदर आपने देखा ही कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गई है इस तरह से। और ये जैसा कि आप आज कपड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, ये भी ऑर्डर का ही बैग है, और ये ख़ास तौर पर सफ़र में जैसे खाने पीने का सामान ले जाने के लिए बनवाया गया है ख़ास मेजरमेंट के साथ, तो इसलिए बनाया है। और ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, ये ऊपर साड़ी है, ये भी सिल्क की साड़ी है, और अंदर जो आप देख रहे हैं ये भी कॉटन साड़ी है। तो इस साड़ी से इस तरह से बैग बनाए जा सकते हैं, और एक साड़ी में काफ़ी सारे बैग बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ यूज़फुल नया लेकर आएगी। नमस्कार।